दोस्तों हेमस्टर कॉम्बैट ने यहाँ पे टोकन को एक्सचेंज के ऊपर सेंड कर दिया है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हेमस्टर कॉम्बैट में और यहाँ पे एयरड्रॉप वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे टोटल हेमस्टर टोकन 2990 के लगभग यहाँ पे है और वेस्टिंग में यहाँ पे 351 है। और यहाँ पे जो लास्ट में आपको दिख रहा है अवेलेबल 8 सितंबर 26, तो ये 2637 टोकन मेरे को एक्सचेंज पे मिले हैं। अगर मैं यहाँ पे विड्रॉल वाले सेक्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस को सिलेक्ट करके रखा था। आपने जिस भी एक्सचेंज में सिलेक्ट करके रखा हो उसमें आपको जाके चेक करना है। तो मैं यहाँ से बैक चलता हूँ और चलते हैं अपने बाइनेंस एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ से अपना बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे वॉलेट्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे हेमस्टर के जो टोकन हमको मिले हैं हेमस्टर कॉम्बैट की तरफ से, वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। आप देख सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं करता है तो ऊपर आपको स्पोर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्पोर्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा हेमस्टर, और उसके आगे यहाँ पे 2638 टोकन मेरे को यहाँ पे मिले हैं। अब इनको सेल कैसे करना है और अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हेमस्टर पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से हमको इसको कन्वर्ट करना है USDT में। तो अभी ये लिस्ट नहीं हुआ है तो अभी ये कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू HMSTR टू अदर क्रिप्टो, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे BNB है और नीचे USDT। तो अब आपको जब ये हेमस्टर टोकन यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा कल यानी कि 26 सितंबर को, ये शाम को 5:30 बजे लिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ऊपर फ्रॉम दिख रहा है, नीचे टू दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ऊपर BNB की जगह यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है HMSTR। तो मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ HMSTR, तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये लिस्ट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये कल 5:30 बजे के बाद यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये HMSTR आ जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे USDT रखना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर मार्केट, तो इसको मार्केट के ऊपर ही यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपके जो भी हेमस्टर टोकन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। मैक्स पे क्लिक करने के बाद जैसे ही थ्रेड के ऊपर क्लिक करोगे आपके जो भी जितने भी हेमस्टर टोकन है वो USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ से कन्वर्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे पेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी ये फिलहाल लिस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे वो पेयर शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ BNB। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पेयर बने हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो BNB FD USD और BNB USDT और यहाँ पे BNB BTC। तो हमको यहाँ पे BNB USDT सिलेक्ट करना है, तो इसकी जगह आपको यहाँ पे हेमस्टर USDT सिलेक्ट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे BNB USDT देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आपको हेमस्टर में जाके ये प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पे आपको HMSTR USDT देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा लिमिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको मार्केट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपका जितना भी हेमस्टर टोकन है उसको यहाँ से फुल कर लेना है, फुल अमाउंट कर लेना है, 100% सेलेक्ट कर लेना है, पूरा आपको यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे आप उसकी प्राइस देख सकते हो। अभी यहाँ पे BNB की प्राइस यहाँ पे 605 है और हमारी यहाँ पे हेमस्टर की टोकन की यहाँ प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल BNB यानी कि सेल HMSTR यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी हेमस्टर टोकन है वो यहाँ पे सेल हो जाएगा और USDT में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टोकन को कन्वर्ट करने के बाद उसको बैंक अकाउंट में कैसे हमको पैसे को लेना है तो वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको CoinDCX एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसमें KYC करके रखना है, क्योंकि मैं आपको CoinDCX एप्लीकेशन में ही बताऊंगा करके, उससे हम अपने बैंक अकाउंट में इस टोकन को कन्वर्ट करके पैसे को बैंक अकाउंट में लेंगे CoinDCX के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और आज की इस वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।